खबर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई। दाऊद इब्राहिम का खेत नीलाम किया जाएगा। 5 जनवरी के दाऊद के खेतों की नीलामी जो है वो होनी है। सफेमा नीलामी की निविदा आमंत्रित जो है वो की है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दाऊद की 4 खेती की जमीन है। पहले भी दाऊद की मुंबई रत्नागिरी की संपत्ति नीलाम हुई है और आयकर विभाग ने ये जो दाऊद की जमीन है इसको जब्त किया है। अंडरवर्ल्ड सरगना और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कहाँ है ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो अक्सर सुर्खियों में छाया रहता है। अभी कुछ दिनों पहले ही उसके खाने में जहर देने की खबर आई थी, हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने उस खबर को सिरे से नकार दिया, गलत बताया। अब दाऊद इब्राहिम एक बार फिर से खबरों में है, लेकिन इस बार जो खबर है वो है भारत में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जो उसका पैतृक गाँव है वहाँ की खेती की जमीन को लेकर। दरअसल तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम जो कि साफेमा जो कि एजेंसी है उसने उसके 4 खेतों की नीलामी के लिए निविदा निकाली है, अखबारों में विज्ञापन दिया है और जिसकी नीलामी जो है कि 5 जनवरी को होनी है। दरअसल दाऊद इब्राहिम जब से फरार है तब से उसके खिलाफ नकेल कसने के लिए लगातार जो कि अवैध कमाई से खरीदी गई उसकी संपत्तियाँ हैं बनाई गई हैं वो जब्त की गई हैं, जिसमें कि 11 कुल प्रॉपर्टी हैं और उन प्रॉपर्टियों को समय समय पर नीलाम किया जाता रहा है प्रक्रिया के तहत। हालांकि एक समय ऐसा था 2000 की अगर हम बात करें उसके पहले तो एजेंसियां निविदा निकाला करती थीं लेकिन उससे खरीदार नहीं मिलते थे, कोई खरीदने के लिए आगे नहीं आता था क्योंकि दाऊद की इतनी दहशत थी। लेकिन समय बदला, पिछले 10 सालों में हम देखें तो उसकी कई प्रॉपर्टियाँ नीलाम भी हो चुकी हैं और उन्हें कब्जा भी दिलाया जा चुका है। जैसे नागपाड़ा जो कि डी कंपनी का गढ़ है, दाऊद का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर नागपाड़ा में जो एक होटल था वो भी नीलाम किया जा चुका है, कब्जा दिया जा चुका है। वहीं पर उसकी बहन हसीना पारकर का एक फ्लैट था उसे भी नीलाम किया जा चुका है, उसका कब्जा दिलाया जा चुका है। टेम्कर स्ट्रीट में भी एक प्रॉपर्टी है उसे भी नीलाम कर उसका कब्जा दिलाया जा चुका है और यहाँ तक कि रत्नागिरी में ही कुछ 2 और प्रॉपर्टियाँ थी जिसके कुछ साल पहले ही अभी नीलामी हुई थी उसे भी कब्जा दिलाया जा चुका है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी संपत्तियाँ हैं, प्रॉपर्टी है जो कि बची है, उन्हीं में से ये 4 खेत हैं जो कि दाऊद के रत्नागिरी जिले में उसके पैतृक गांव में है, उनकी नीलामी के लिए अब निविदा निकाली गई है और पता चला है कुछ लोग निविदा में प्रक्रिया में हिस्सा भी ले रहे हैं और 5 जनवरी को जो कि उसकी बोली होगी और उसमें जिसकी बोली सबसे ज़्यादा होगी उसे वो प्रॉपर्टी दी जाएगी। बहरहाल दाऊद कहाँ है कहने के लिए वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान सिरे से उसे नकारता रहा है। जिंदा है या नहीं है क्योंकि अभी तक 5 बार कम से कम मीडिया में उसे मरा हुआ बताया जा चुका है, लेकिन उसके लोग लगातार उस बात का खंडन भी करते रहे हैं और एजेंसियों ने कभी उसके मौत की पुष्टि नहीं की। यानी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सभी के लिए दाऊद इब्राहिम भले पहेली बना हुआ है लेकिन वो अक्सर किसी न किसी वजहों से सुर्खियों में छाया रहता है। एक बार फिर से वो सुर्खियों में है अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, जबकि उसकी प्रॉपर्टी जो कि उसका खेत है, अवैध कमाई से बनाए गए उसके खेत हैं, उनकी जब्ती हो चुकी है, उनकी नीलामी होनी है और नीलामी अब 5 जनवरी को होनी है। तो दाऊद भले ही सुरक्षा एजेंसियों के पहुंच से बाहर है लेकिन उसकी संपत्तियों को जब्त कर नीलाम कर कुर कर जो है एजेंसियां उसके खिलाफ लगातार उस नकेल कसने में कोशिश में लगी हुई हैं। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।